31 अगस्त से प्रारंभ हुए गणेश उत्सव की धूम पूरे शहर भर में मची हुई है और निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में भक्तों द्वारा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को विराजित किया गया है। इसी कड़ी में वार्ड 7 शिवाजी नगर गणेश उत्सव समिति द्वारा लगातार 34वें वर्ष भी भव्यता से भगवान गणेश की स्थापना की गई है और पूरे क्षेत्र के भक्तों द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। बीते 2 वर्ष कोरोना के प्रकोप की वजह से सभी तीज त्योहार फीके नजर आ रहे थे, परंतु इस वर्ष यह प्रकोप कम होने से सभी तीज त्योहारों की रौनक देखते ही बन रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष गणेश उत्सव की धूम पूरे शहर भर में मची हुई है और हर व्यक्ति व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पर बप्पा को विराजित कर विश्व शांति और आरोग्य की कामना कर रहा है। इसी कड़ी में निगम क्षेत्र के वार्ड 7 शिवाजी नगर में शिवाजी नगर गणेश उत्सव समिति द्वारा लगातार 34वें वर्ष गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 31 अगस्त को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा क्षेत्र में विराजित की गई, जहां क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भगवान गणेश की आरती उतारी और पुष्पांजलि अर्पित की एवं विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी अपनी मनोकामना स्वरूप परिवारजनों की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य सहित कोरोना जैसी महामारी दोबारा न आने की प्रार्थना की गई। शिवाजी नगर गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष देवेंद्र विश्वकर्मा एवं उपाध्यक्ष समीर आगरकर ने न्यूज टीम को कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं महिला समिति की अध्यक्षा मीनल आगरकर ने इस उत्सव को मनाते हुए पूरे 11 दिनों तक होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। देखिए गणेश जी को हर साल यहाँ बिठाते हैं, कॉलोनी की जो मनोकामना है वो पूरी करता है, जो यहाँ जरूरत है वो सब गणपति अपने को देता है। आज किस तरह से पूजा पाठ की गई है? हर साल जैसे गणपति स्थापना होती है वैसे स्थापना होती है, सब मिलके बैठते हैं, सब मिलके बोलते हैं, अपना बनाता है गणेश जी का हर साल अपना अच्छा माहौल। ये हमारी शिवाजी नगर गणेशोत्सव समिति है और पिछले लगभग 34 साल से हम लोग हर साल गणेशोत्सव का प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे शिवाजी नगर में। ये इस साल मतलब 34वां साल है। पिछले 2 वर्ष तो कोविड के बीते हैं, बहुत ही मुश्किल से, कोई इजाजत नहीं थी सरकार की तरफ से, तो 2 साल बाद कैसा लग रहा है और क्या मनोकामना है? इस बार तो इतना ज़्यादा उत्साह का माहौल है हमारे पूरे शिवाजी नगर में कि मत पूछिए। पिछले 2 साल हमने कैसे मनाया गणेशोत्सव, हालांकि कोविड की पाबंदियाँ थी उसके बावजूद हम लोग बहुत ही छोटे रूप में पूरी प्रिकॉशन के साथ में यहाँ पे फिर मनाए हम लोग ने उत्सव, परंतु इस साल तो सभी में ज़बरदस्त उत्साह है और काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शंस और प्रोग्राम का आयोजन होने वाले हैं। क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं इस बार? गणपति बाप्पा से यही है मनोकामना कि सभी स्वस्थ रहें, जैसे पिछले 2 साल हमने देखा है वो अब जीवन में कभी नहीं दिखाएं फिर से। हम 34 ईयर्स से गणपति उत्सव मना रहे हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत थोड़े इसमें था, अभी बहुत सारे लोग मिलके ये उत्सव मनाते हैं और हम 10 दिन का कार्यक्रम रखते हैं, रोज अलग अलग प्रोग्राम रखते हैं, विविध प्रतियोगिता रखते हैं और हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं और बहुत उत्साह से ये 10 दिन हम मनाते हैं। पिछले जो 2 वर्ष बीते हैं काफ़ी मुश्किल में, काफ़ी कठिनाई में बीते, तो उन 2 वर्षों को छोड़ करके मतलब उस समय कैसा था और आज कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आशीर्वाद मांगते हैं पप्पा से? जो कोविड के 2 साल थे वो बहुत ही खतरनाक थे, हम गणपति पापा से यही आशीर्वाद मांगते थे और यही कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए और पहले जैसा फिर से माहौल हो जाए, और हम उन 2 सालों में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी हमने थोड़ा बहुत हद तक गणेश उत्सव मनाया, बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं, लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद हम फिर से अपना उत्साह उतनी ही उमंग के साथ हमने शुरुआत की और हम बापा से यही आशीर्वाद करते हैं कि ऐसा जो भयानक कोविड आया है फिर से किसी को तकलीफ ना दे और जिस तरह से हम जिस इस एंथुसियाज्म से और जिस खुशी से हम ये 10 दिन मना रहे हैं हर साल ऐसे ही मनाते रहे और सबकी उन्नति हो, यही हम भगवान से चाहते हैं। पूजा अर्चना और आरती के बाद उपस्थित भक्तजनों में प्रसाद का वितरण किया गया और इस अवसर पर उपस्थित भक्तजनों ने अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर दुखहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश को
श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।